नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। एक सोलर पावर सिस्टम में कितने लॉसेस होते हैं और वो लॉसेस किस तरीके से उस सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं, कितना इम्पैक्ट करते हैं, चलिए आइए समझते हैं इस वीडियो में। पहले ये समझ लेते हैं एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम किस तरीके का होता है। एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम में सोलर पैनल्स होते हैं, चार्ज कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है और ये सब तारों से जुड़े होते हैं। तो दिस इज अ बेसिक सोलर पावर सिस्टम जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। अब ये जो सिस्टम है इसमें एनर्जी का कन्वर्जन भी होता है और इस कन्वर्जन की वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन लॉस। फॉर एग्जाम्पल, जो सोलर पैनल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये कन्वर्जन हुआ इसमें कुछ लॉसेज होते हैं, उनको बोला जाता है कन्वर्जन लॉस। एक चीज समझ लीजिए, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जो इनपुट एनर्जी है और जो आउटपुट एनर्जी है वो हमेशा बराबर ही रहेगी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो बात अलग है, जो हमें आउटपुट मिलती है, जो हमारे यूज की एनर्जी है उसी को हम लेते हैं, जो एज ए हीट लॉस हो जाती है, एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो हमारे काम की नहीं रहती, उसको हम लॉस बोल देते हैं। असलियत में एनर्जी कहीं नहीं होती, वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं रहती, तो इसलिए हम उसको लॉस बोल देते हैं। तो जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है सिस्टम में, जो लॉसेज होते हैं उसको कन्वर्जन लॉस बोलते हैं। सिमिलरली जब सनलाइट से सनलाइट एब्जॉर्ब की सोलर पैनल ने, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट बैटरी में जाता है, बैटरी इसको केमिकल फॉर्म में स्टोर करती है। देखिए, डायरेक्ट करंट इज अगेन बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बैटरी में स्टोर है। अब जब आपको रात को सोलर पैनल नहीं काम कर रहे, रात को आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो केमिकल एनर्जी है फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इन्वर्टर के रास्ते होते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। देखिए, डायरेक्ट करंट पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फिर ये केमिकल एनर्जी फिर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे हमें दो कन्वर्जन देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी कन्वर्जन होगा कुछ कन्वर्जन लॉसेज होंगे। अब ये जो डायरेक्ट करंट है, बैटरी ने डायरेक्ट करंट बना के दे दिया इन्वर्टर को, डायरेक्ट करंट से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नहीं रन करते, मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये डायरेक्ट करंट इन्वर्टर के पास जाता है, इन्वर्टर फिर इस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है, फिर एक कन्वर्जन हुआ। तो जब भी कन्वर्जन होगा लॉसेस होंगे। तो ये एक सिस्टम से जो है एसोसिएटेड है लॉसेस, इनको हम हटा नहीं सकते लेकिन कम इनको जरूर कर सकते हैं। इनको कम किस तरीके से करोगे, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स लीजिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी है, इन्वर्टर है, उसको आप ले सकते हैं, सो एज टू मिनिमाइज द कन्वर्जन लॉसेस। तो पहली बात हो गई कन्वर्जन लॉसेस की, ये हमेशा सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, इसको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मिनिमाइज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करता हूँ मैं ट्रांसफर लॉसेस की। एनर्जी सोलर पैनल के अब्सॉर्प्शन से स्टार्ट होती है, फिर इन्वर्टर से रास्ते हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जाती है और उसको रन करती है। बीच में एनर्जी सोलर पैनल से ट्रांसफर हो रही है बैटरी से होते हुए इन्वर्टर की तरफ और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ, तो एनर्जी ट्रांसफर भी हो रही है, कन्वर्जन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो रहा है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे भी लॉसेज होते हैं और इसको बोला जाता है ट्रांसफर लॉसेज। सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे सोलर पैनल हो गया, बैटरी, सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर, ये सब तारों से जुड़े हुए हैं। तो जब भी तारों के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे हीट वो डिसिपेट हो जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी, तो कुछ हिस्सा हमारी यूजफुल एनर्जी का इस डेसिपेटेड एज हीट एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर लॉसेस। अब इस ट्रांसफर लॉस को आप किस तरीके से कम करोगे, राइट साइजिंग की वायर अगर आप लोगे तब आप ट्रांसफर लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम साइज बड़ा है लेकिन आपने वायर का जो डायमीटर है वो थिन ले ली, तो उससे हीट लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा थिक ले ली, हीट लॉसेस तो कम हो गए लेकिन आपका जो इकोनॉमी है, जो उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी क्योंकि वायर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो राइट साइजिंग की वायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो। ज़्यादा थिन होगी तो हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे और ज़्यादा थिक ले आए तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो देयरफॉर राइट साइजिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसफर लॉसेज पता लगे हमें, कन्वर्जन लॉसेज पता लगे। अब हम बात करते हैं शेडिंग लॉस की।
देखिए शेडिंग लॉस किस तरीके से होता है, जब सोलर पैनल आपने लगा दिए, सोलर पैनल्स बाहर लगते हैं या छत पर लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एडजॉइनिंग बिल्डिंग जो है किसी डायरेक्शन में या पेड़ है उसकी शेड हमारे सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ने लग जाती है। मान लिया अगर सोलर पैनल ईस्ट आपने लगाए हुए हैं साउथ डायरेक्शन में, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हमें सदर्न डायरेक्शन में अपने सोलर पैनल्स को फेस करना पड़ता है। ईस्ट से वेस्ट तक जो है रिलेटिव मूवमेंट रहती है अर्थ और सन की, हमेशा चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है तो आपके सोलर पैनल के ऊपर शेड नहीं आएगी, या अगर यहाँ पे बिल्डिंग है तो शाम को यहाँ पे शेड आनी स्टार्ट हो जाएगी सोलर पैनल के ऊपर। तो जो पूरा एरिया है, जो कर्वेचर है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, दैट हैज टू बी शेड फ्री, ताकि आपके सोलर पैनल पर सनलाइट पड़ती रहे। अगर साउथ के डायरेक्शन में ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो पेरिफेरी है उसके बीच में कहीं कोई बिल्डिंग आ जाती है, पेड़ आ जाता है, तो सोलर पैनल पर उसकी शेड पड़ सकती है और उसकी वजह से लॉसेज जो होते हैं उसको शेडिंग लॉस बोलते हैं। या कई बारी जो लीव्स हैं वो उड़ के आपके सोलर पैनल के ऊपर गिर जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ कपड़ा उसके ऊपर गिर गया, वो ढक दिया, उतना हिस्सा ढक गया, शेड हो गया, उतने हिस्से ने एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की और उससे बाकी सोलर पैनल के हिस्सों पर भी इफेक्ट पड़ता है, बाकी जो हिस्से हैं वो ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शेडिंग लॉस को भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए। वो आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं कि आप देखें कि जो सनराइज से लेकर सनसेट तक की जो पेरिफेरी है आपके सोलर पैनल, सूरज की रोशनी आएगी, वो शेड फ्री होना चाहिए, किसी बिल्डिंग की, नियर बाय बिल्डिंग की या पेड़ की शेड उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा, डर्ट लॉस की। देखिए सोलर पैनल हमेशा बाहर ही रहेंगे अपने लाइफ टाइम तक, क्योंकि बाहर ही सूरज की रोशनी है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब हवा चलती है एनवायरनमेंट में, एयर जब है तो डस्ट भी है, अपने साथ डस्ट लेके चलती है, और सोलर पैनल के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे डस्ट की जो लेयर है वो जमना स्टार्ट हो जाती है। अब डस्ट किस तरीके से इंपैक्ट करती है सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में, इसको लेके मैंने वीडियो बनाया, मेरे रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग थे, आप देखना, आपको देख के मजा आएगा। तो जब डस्ट की लेयर जमने लग जाती है सोलर पैनल के सरफेस पे, तो वो डस्ट जो है सनलाइट को आने से रोकती है, सोलर पैनल का जो सरफेस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उस पर नहीं पड़ने देती है, उसको आने से रोकती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की आउटपुट कम हो जाती है, डिटायरमेंट हो जाती है। तो इसकी वजह से जो लॉस हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डस्ट लॉस। और इसको कैसे कम कर सकते हैं, आप रेगुलरली अपने सोलर पैनल की सफाई कीजिए, उसको साफ रखिए, ताकि आपके जो सोलर पैनल हैं डस्ट फ्री रहे एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट एज पॉसिबल। कहते हैं हीट लॉस की, हम नॉर्थ इंडिया में, जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो हीट लॉसेज हैं सोलर पैनल में वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और बाकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें भी हीट लॉसेज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सोलर पैनल का जो आपका जो पावर है, जैसे बोलते हैं 100 वॉट का सोलर पैनल है, ये 100 वॉट आपको तब देगा जब उसमें से एक स्पेसिफिकेशन मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि उसका सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन टेम्परेचर रिलेटेड लॉस है तो हम उसी की बात करेंगे। अगर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो सोलर पैनल की आउटपुट कम हो जाएगी। अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सोलर सेल का जो टेम्परेचर है कैन रीच अप टू 75 to 80 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो हीट लॉसेज है वो बढ़ जाते हैं, सोलर पैनल की आउटपुट इम्पैक्ट होती है। तो उसके लिए, इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें वो सोलर पैनल देखना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर क्या होता है, इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए, जितना कम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो सोलर पैनल है उसकी आउटपुट इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम होगा वो सोलर पैनल की पावर आउटपुट इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी टेम्परेचर बढ़ने पर। तो टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेज या हीट रिलेटेड लॉसेज को आप किस तरीके से कम कर सकते हो, जिसका टेम्परेचर, जिस सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो, आप उसको खरीदें। करते हैं एजिंग लॉस की। कोई भी सिस्टम है वो जैसे धीरे धीरे पुराना होता जाता है उसमें जो लॉसेज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे सोलर पैनल है, जैसे धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे उनके जो डिग्रेडेशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। आज की डेट में अगर आपको 100 वॉट मिल रहे हैं, धीरे धीरे उसकी जो है डिग्रेडेशन ऐसे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एजिंग लॉसेज, नॉट ओनली सोलर पैनल्स, बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बैटरी है, इन्वर्टर है या सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इन सब में लॉसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं
जिसको समय के साथ जिसको हम एजिंग लॉस बोलते हैं, ग्रेजुअली द आउटपुट ऑफ द सिस्टम स्टार्ट रिड्यूसिंग विद टाइम। तो ये जब सारे लॉसेज मेन लॉसेज जो हमने डिस्कस किए इन सबको मैं अगर मैं क्यूमुलेटिव ले लूँ जोड़ दूँ तो ऑन एन एवरेज जो एक सोलर पावर सिस्टम की जो पावर है आउटपुट है 30% तक वो इसकी जो है ईट कर लेते हैं। मतलब अगर आपका सिस्टम 5 किलोवाट का है तो उसमें से आप मान लीजिए 30% जो है वो लॉसेज में चला गया। 30% अगर निकाल लूँ 5 किलोवाट में से तो मुझे सिर्फ 3.5 किलोवाट पावर मिलेगी अपने 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम से। तो इस तरीके से अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है 30% लॉसेज अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो मुझे 3.5 किलोवाट की पावर मिलने वाली है। लेकिन इन लॉसेज को ये मैंने एवरेज बात की है, एवरेज से आपके लॉसेज कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा कम होंगे जब टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी नहीं होगी, हम शेडिंग लॉस का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपने पैनल्स की सफाई नहीं करेंगे, अपने वायरिंग ठीक नहीं रखेंगे और जो है एक राइट उसको टिप नहीं देंगे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने पैनल्स को साफ रखते हैं, उसमें शेड नहीं आने देते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स ले रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स जो दूसरे ले रहे हैं, तो ये जो एवरेज लॉस जो मैंने 30% की बात की ये 20% 15% भी तक भी कम हो सकते हैं। मतलब 15% या 20% तक जा सकते हैं। तो ये सारे लॉसेज हैं जो कि हमने डिस्कस किए। अगर मैं एवरेज बात करूँ 30% तक आप मान के चलो एक सिस्टम में से लॉसेस चले जाते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आप ऑन एन एवरेज बात करें 30% उसमें से लॉस निकाल लीजिए तो 3.5 किलोवाट ही पावर हमें मिलने वाली है। अगर आप एरिया में जैसे मान लिया नॉर्थ इंडिया में जो पीक सन आवर्स हैं 5 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, अगर 3.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 17.5 यूनिट्स पूरे दिन में ऑन एन एवरेज 17 या 18 यूनिट्स मान लेते हैं, 18 यूनिट्स एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम बना के देगा आफ्टर कंपनसेटिंग फॉर द लॉसेज। और ये एवरेज है। अगर हम अपने सोलर पैनल्स का सही ढंग से ध्यान रखते हैं तो ये 18 यूनिट्स 20, 22, 23 यूनिट्स या 25 यूनिट्स भी बन सकते हैं अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स लेके आएँ, अपने सोलर पैनल्स को साफ रखें और जो पेरिफेरी है सोलर पैनल जो सनराइज से लेकर सनसेट तक की वो क्लीन हो, सोलर पैनल्स की पर सनराइज से सनसेट तक अच्छी रोशनी आती हो तो आपका 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम में लॉसेज कम हो सकते हैं। 18 यूनिट्स की जगह आपको 23, 24 या 25 यूनिट्स भी बना के दे सकता है। आपको पता लगा होगा कि सिस्टम में क्या लॉसेस होते हैं, किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं और हमें किस तरीके से इसको कम रखना चाहिए। आई होप यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरा वेबसाइट भी है मेरी www.solarwithyash.com, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, काइंडली गो थ्रू इट। उसमें बेसिक से लेके एडवांस आर्टिकल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसे पढ़ो। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में या यहाँ पे आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।